एक दफ़ा का जिक्र है, एक घर में एक बिल्ली रहती थी। उसी घर में बहुत सारे चूहे एक सुराख में रहते थे। हैं, एक ही घर में बिल्ली और इतने सारे चूहे, ये कैसे हो सकते हैं? अरे पहले पूरी कहानी तो सुन लो। अच्छा अच्छा सुन रही हूँ मैं। बिल्ली ने वो सुराख देख लिया। अब जब भी बिल्ली को भूख लगती तो वो सुराख के करीब छुप जाती। जब भी कोई चूहा बाहर निकलता तो बिल्ली उसे पकड़कर खा जाती। जल्द ही चूहों की तादाद कम होने लगती। लेकिन तादाद का मतलब क्या है? मतलब चूहे कम हो रहे थे। अच्छा। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि बिल्ली के गर्दन में एक घंटी लगाई जाए ताकि जब भी वो करीब आए तो हम उसकी आवाज़ सुन सकें। एक दिन बिल्ली गहरी नींद में सोई हुई थी। एक चूहा हिम्मत करके बिल्ली के करीब आकर उसके गर्दन में एक घंटी लगा दी। अब सारे चूहे महफूज थे, क्योंकि जब भी बिल्ली सुराख के करीब आती तो घंटी बजने लगती। तमाम चूहे घंटी की आवाज़ सुनकर होशियार हो जाते और जल्दी से सुराख में घुस जाते। वो बहुत खुश थे कि इन्होंने अपनी अकलमंदगी से इतना अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुश्मनों से नहीं डरना चाहिए बल्कि मिलजुल के रहना चाहिए। अरे वाह, आप ही इतनी अच्छी कहानी की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप ही अपने दोस्तों के साथ मिलजुल लाऊंगी। Very good.